आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के मामले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। भोपाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। और उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उसकी संविधान पीठ एक साथ सुनवाई करेगी, क्योंकि पीठ ने दिल्ली और केंद्र के विवाद मामले में सुनवाई समाप्त कर ली है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि इस मामले में अंतरिम आदेश केवल संविधान पीठ ही पारित करेगी। इस बीच केंद्र ने पीठ को बताया है कि सरकार योजनाओं को आधार से जोड़ने की निर्धारित तारीख में विस्तार करते हुए इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक करना चाहती है। केंद्र देशभर की पंचायतों की 2,00,000 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन आज चित्रकूट से नव निर्वाचित विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने विधानसभा के सदस्य की शपथ ली। इससे पहले सत्र में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 8 दिसंबर तक चलने वाले इस 12 दिन के शीतकालीन सत्र में 10 बैठकें होंगी। हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया कि सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगा, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि महिला अपराधों और रोकथाम को लेकर सरकार ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर नया कानून नहीं बल्कि कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संगोष्ठियां, कार्यशालाओं और रैलियों का आयोजन कर जनसामान्य को मानव अधिकारों के प्रति सतर्क, सजग और संवेदनशील बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने कहा है कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि ऑब्जर्वर की जरूरत ही ना पड़े। उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, मास्टर ट्रेनर्स और ई मैनेजर्स के प्रशिक्षण में उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़े। गौरतलब है कि श्री आर परशुराम 29 नवंबर को धार, 30 नवंबर को बड़वानी और 4 दिसंबर को रीवा में नगरीय निकायों की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल संविधान दिवस था, लेकिन रविवार होने के चलते शासकीय कार्यालयों में आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। शिवपुरी के शासकीय विद्यालय में आज एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में संविधान के उद्देश्य का पढ़ी गई। वहीं शहडोल में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। खाद्य और श्रम मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने धान के मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन 1 दिसंबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मिलिंग का कार्य 16 जनवरी 2018 से शुरू किया जाए और इसे जुलाई 2018 के पहले पूरा कर लिया जाए। श्री धुर्वे आज मंत्रालय में खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग की कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। भोपाल सामूहिक दुष्कर्म मामले पर जबलपुर उच्च न्यायालय में दायर की गई स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट उच्च न्यायालय के सामने रखी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि घटना के बाद से ही सरकार और प्रशासन ने बेहद संवेदनशीलता के साथ मामले पर कार्रवाई की है। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है। भोपाल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिले में निवासरत पेंशनधारी, भूतपूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को सूचित किया है कि वो अपने बैंक खातों को शीघ्र अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर तथा पैन कार्ड से लिंक करवाएं। इसके साथ ही उन्हें अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर शीघ्र बैंक में जमा कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन बंद हो सकती है। पेंशनधारी सैनिकों को पेंशन नियमित रूप से मिलती रहे, इसके लिए उन्हें बैंक में अपना जीवित प्रमाण पत्र भी शीघ्र जमा करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में 18 दिसंबर से दस्तक अभियान शुरू हो रहा है। उज्जैन के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि उज्जैन जिले में भी दस्तक अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा घर घर जाकर दस्तक की जाएगी और परिवार में 5 वर्ष आयु तक की बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी और आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में एनीमिया की पहचान की जाएगी और उचित उपचार भी किया जाएगा। भोपाल में 3 दिवसीय आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज सामूहिक दुआ के साथ समापन हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस इज्तिमा में आज सुबह लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। 25 देशों की जमातों ने ईंटखेड़ी में चल रहे इज्तिमा में शिरकत की। यहां पर लगभग 65 एकड़ खाली पड़ी भूमि पर पंडाल बनाए गए थे। वहीं 150 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री संजय पाठक ने कहा है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के द्वितीय चरण के कार्यों के साथ लंबित विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाए जाएंगे। श्री पाठक ने कहा है कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य पूरे होने के बाद इनका संधारण गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन करेगी। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में आज सुबह से दिखाई दे रहा है। इस वजह से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल में अगले 24 घंटों में शीतलहर भी चल सकती है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस उमरिया और मंडला में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 29 नवंबर को इंदौर में स्वरोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के पशु आहार संयंत्र में आज भोपाल सहकारी दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में ग्राम जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुरैना में पुलिस ने अवैध रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। दतिया के बड़ौनी तिराहे पर ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 मजदूर इस घटना में घायल हो गए हैं। सागर में 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इस अभियान को आनंदम कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में जिला पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार से बैतूल के भारत भारती शिक्षा समिति को सम्मानित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने के मामले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। भोपाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट पेश की और उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।